गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू मैं आरती आई आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने ट्रिपल ओम अकाडमी के यूट्यूब चैनल में अब वीडियो में हम आपके लिए लेके आएँ सोल्जर टेक्निकल का पेपर जो ई सेंटर सिकंदराबाद का था जिसमें क्या हमारे मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं पासिंग मार्क्स 80 होते हैं और सेट सी कराने वाले हैं इसमें टाइम की जो ड्यूरेशन है मीन्स टाइम है वो एक घंटे का होता है एक बार आपको पेपर के बारे में थोड़ा सा समझा दें क्या होता है देखो इसमें क्या हमारा सेक्शन ए है जिसके अंदर क्या हमारी जनरल नॉलेज मीन्स जी के आते हैं उसके कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे जी के जीके के होते हैं हमारे कितने फाइव क्वेश्चन जैसा कि दिखाया हुआ फिर उसके बाद हमारा सेक्शन बी सेक्शन बी स्टार्ट होता है जिसमें क्या हमारा ये हमारा रीजनिंग का होता है रीजनिंग के कितने क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के भी हमारे कितने फाइव क्वेश्चन होते हैं फिर उसके बाद हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है जिसमें क्या हमारे फिजिक्स आती है और फिजिक्स के कितने फिफ्टीन क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखा हुआ फिर उसके बाद सेक्शन डी आता है और सेक्शन डी में क्या आता है हमारा मैथ आता है और मैथ के कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे फिफ्टीन होते हैं ये रहा सेक्शन डी और ये क्या हमारा मैथ का सेक्शन है और इसमें हमारे फिफ्टीन क्वेश्चन होते हैं फिर उसके बाद आता है हमारा सेक्शन ई जो हमारा क्या होता है केमिस्ट्री का होता है और इसके कितने टेन क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है तो ये हो होता है आपका पेपर पैटर्न इसमें पीसीएम जो है मेन सब्जेक्ट होते हैं और रीजनिंग और जीके आपकी फ़ाइव फाइव मार्क्स ही आते हैं टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो फिफ्टी होते हैं और जो मार्क्स होते हैं वो टू हंड्रेड होते हैं तो ये आपका पेपर पैटर्न और पेपर का जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होते हैं ये आपको बता दिया अब जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हों पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं हमारा सेक्शन ए में क्या है देखो पेपर थोड़ा साफ नहीं है जैसा हमारे पास आया हमने ऐसा ही आपके लिए इसकी वीडियो बना के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर क्वेश्चन क्लियरली ना दिखें तो बर्डों पे ध्यान देना जो बोल रहे हैं या जो आवाज़ आ रही है उसके जरिए इस क्वेश्चनों को समझना तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं द डेफिशंसी ऑफ विटामिन ए कॉज ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड तो उसको क्या बोलते हैं हम रतौंदी बोलते हैं या नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं तो ए क्या सी क्या है? इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे शौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम तो कौन सा है वो जिसको हम मरकरी बोलते हैं बुद्ध है ठीक है ये, ये इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है जो हमारा टीचर्स डे है वो हमारा कब मनाया जाता है पांच सितंबर को कब मनाया जाता है पाँच सितंबर मीस बी इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा पर्वत के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो पर्वत के पार जाने का मार्ग बन जाते हैं उनको क्या कहते हैं हम दर्रे कहते हैं तो डी क्या इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है नींद में से कौन सी चट्टानी समुद्र जीवधारों को कंकाल से निकल मिलकर बनती हैं उनको क्या बोलते हैं जो समुन्द्री जीवधारियों के कंकाल से मिलकर बनती है उनको लाइमस्टोन बोलते हैं चूना पत्थर बोलते हैं जिनका फॉर्मला क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट तो चूना पत्थर का फॉर्मला आ जाए तो वो क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट सी एस सो थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखो सेक्शन ए करा दिया जिसमें हमारे कितने फाइव क्वेश्चन जी के आए थे अब सेक्शन बी कराएंगे जिसमें क्या है फाइव क्वेश्चन रीजनिंग आएंगे तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा नीचे दिए गए शब्दों में से मेल ना खाने वाला शब्द चुने तो हमारे जो नीचे जो ऑप्शन है इनमें से जो मेल नहीं खा रहा वो हमें ढूंढना तो देखो जो मंगल है बृहस्पति है और बुद्ध है ये क्या है हमारे ग्रह होते हैं और जो मून है मीन्स चंद्रमा ये हमारा उपग्रह होता है तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये क्वेश्चन ध्यान से समझना किसी सांकेतिक भाषा में जो ये लिख रखा है वाई ई एस टी ई आर डी ए को ये जो ये नंबर दे रखे हैं ये इसका कोड है उसमें लिखा जाता है मतलब इसको इसमें लिखा जाता है और उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा इन ऑप्शन में से करेक्ट करना तो देखो इसको करने का सॉल्व करने का सिंपल तरीका ध्यान से समझना इसका क्वेश्चन का जो आंसर है आप ही टिक करोगे मैं आपको समझाऊंगी देखो पहले इसको लिखो वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई ये लिख लिया अब इसका कोड क्या दे रखा है उन्होंने देखो फाइव थ्री सेवन सिक्स थ्री फोर टू जीरो फाइव ठीक है अब देखो निकालना किसका इसका एस टी ए ए के बाद भी क्या हमारा आर आर वाई और वाई के बाद क्या हमारा ई डी वाई ई ये है अब इनके क्या हमें कोड निकालने अब देखो यहाँ पे बाई का फाइव दे रखा है ठीक है ऐसे ई e का ये दे रखा है एस का ये दे रखा है तो ऐसे ही इसमें से ही निकालने तो देखो एस का यहाँ पे कितना था सेवन तो यहाँ पे एस का कितना आ जाएगा सेवन टी का यहाँ पर कितना सिक्स है तो यहाँ पर सिक्स आ जाएगा ए का यहाँ पे क्या दे रखा है जीरो तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा फिर ए के बाद में क्या हमारा आर है आर का यहाँ पे क्या फोर है तो यहाँ पे क्या जाएगा? आ जाएगा फोर आ जाएगा वाई का यहाँ पे क्या फाइव है तो यहाँ फाइव आ जाएगा ई e का यहाँ पे क्या थ्री है तो यहाँ थ्री आ जाएगा अब चलते हैं ऑप्शनों की तरफ इसे मिल मिलाते हैं ठीक है तो देखो सेवन सिक्स जीरो फोर फाइव थ्री देखो पहले पहले चलते सेक्शन डी की तरफ तो सेवन सिक्स जीरो फाइव थ्री है तो ये कैंसिल अब चलते हैं इसकी तरफ सेवन सिक्स जीरो तो फोर फाइव टू है ये ठीक है और फोर फाइव थ्री है यहाँ पे तो ये भी कैंसिल सेवन सिक्स यहाँ पे जीरो है ही नहीं तो बचा क्या ए तो ए क्या हमारा करेक्ट आंसर कितना इजी क्वेश्चन था अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उम्मीद है कि आप इसको खुद सॉल्व कर लोगे ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा निम्न में से नंबर जोड़ी समूह चुने और दूसरे को अलग करें ठीक है अब देखो पहले चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ जो हमारा कितना दे रखा है एट और छप्पन दे रखा है मीन्स आठ और छप्पन दे रखा है हमारा आठ और छप्पन में क्या है आठ से छप्पन कट जाता है ऐसे दस से नब्बे कट जाता है नौ से बहत्तर कट जाता है लेकिन ये इलेवन से या ग्यारह से हमारा एक सौ पंद्रह नहीं कटता तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा निम्न में से कौन सा अक्षर समूह दिए गए क्रम को पूरा करेगा तो क्रम क्या दे रखे हैं हमारे ये देखो क्रम को लिखते हैं सबसे पहले बी ए फिर डैश है, फिर बी फिर डैश है, फिर ए A, बी A, 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 फिर डैश है फिर ए है फिर डैश है और फिर बी है ऐसे करके अब देखो पहले हम ये देखो कितने आएंगे एक दो तीन और चार हमारे क्या अल्फाबेट आएंगे इनके अब पहले हम जोड़े बनाते फोर फोर के ये एक दो तीन एक आएगा और चार ये हो गए एक दो तीन चार ये हो गए अब एक दो तीन और चार एक जोड़ा ये हो गया अब देखो ध्यान से देखना यहाँ बी है यहाँ ए है यहाँ बी है तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो सब में सेम ही आएगा तो यहाँ से ए निकला बी ए, ए, ए फिर यहां बी फिर यहाँ पे क्या आएगा बी फिर यहाँ पे ए ए बी हो गया तो मीन्स दूसरा बी निकला फिर यहाँ पे क्या आएगा एक बी आ गया यहाँ पे बी लिख दिया फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एक और ए तो सेम हो गया ना बी ए ए बी बी ए बी और बी ए ए बी ठीक है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे क्या भरा हमने बी फिर यहाँ के बाद में ए और फिर क्या भरा हमने ए ठीक है ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन की तरफ करते हैं तो डी हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया दिए गए विकल्प में से क्रम को पूरा कीजिए अब देखो ए से सी तक जाते हैं तो कितने का डिफरेंस है हमारा प्लस टू का ठीक है फिर हम सी से एफ तक जाते हैं तो प्लस थ्री का फिर एफ से एच तक जाते हैं प्लस टू का तो ऐसे ही जब नेक्स्ट जाएंगे तो प्लस थ्री का आएगा प्लस थ्री क्या है हमारा है ये इसका करेक्ट आंसर तो ये हमारे किसके थे रीजनिंग के फाइव क्वेश्चन अब चलते हैं अपनी सेक्शन ई e की तरफ जो हमारी क्या है केमिस्ट्री के हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं जो हमारे सेक्शन ई e में मिलेंगे तो सेक्शन ई e का हमारा ये रहा आपको जैसा कि स्क्रीन में दिखाया हुआ e, है ये सेक्शन ई इसमें क्या हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराने वाले हैं देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है सड़े हुए अंडे की गंध जैसी गंध डैस जहरीली गैस की होती है किसकी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा निम्नलिखित कौन से प्रदूषक कारण बनते हैं रासायनिक वर्षा का या एसिड रेन का ठीक है तो वो कौन से प्रदूषक हैं हमारे ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्या होता है सल्फर डाइऑक्साइड ये दो क्या है प्रदूषक हैं जो या पॉलिटेंट हैं जो हमारा कॉज बनते हैं एसिड रेन का ठीक है तो जो एंट है ये हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड है और एस सल्फर डाइऑक्साइड भी ये क्या है हमारा ये दोनों क्या हैं इसके कॉजेज बनते हैं एसिड रेन के तो भी क्या इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा मूर्तियां सिक्के तथा बर्तन बनाने में प्रयोग की जाने वाली मिश्र धातु कहाँ सा है ठीक है तो ये किससे मिलकर बनती है किन धातुओं से मिलकर बनती है अब ध्यान ब्रान्ज की बात हो रही है ठीक है ये एक मिस्र धातु है जो किससे मिलकर बनी होती है कॉपर और टीन से और अगर आ जाए आपकी क्या पीतल तो पीतल आ जाए तो पीतल बनी होती है कॉपर और जिंक से ठीक है ब्रान्ज किससे बनी होती है हमारी कॉपर और तीन से और ब्रास जिसको पीतल बोलते हैं वो कॉपर और जिंक से ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना कंफ्यूजिंग है हमारी कॉपर और जिंक से ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वह तापमान कितना है जिस पर भारे जल का घनत्व तो उच्चतम होता है द टेम्परेचर एट विच हैज मैक्सिमम डेंसिटी तो कौन इसका आंसर है एलेवन पॉइंट सिक्स डिग्री सेल्सियस तो सी क्या है इसका करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव को कितने अवस्थाओं में बांटा गया हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन नेचर अकॉर्डिंग एज पर फिजिक्स तो इसका आंसर क्या है फोर क्या कौन कौन सी स्टेट है उसकी सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा एक होती है बोन्स लेकिन ये मैन मेड स्टेट है तो ये फोर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम सक्रंदित खनिज अश्यक के भंजन का मुख्य कार्य क्या होता है मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग द कंसनट्रेशन और इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन क्या करता है हमारा इम्प्योरिटीज को क्या करता रिमूव करता वो, है वो ठीक है फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या तो वो है हमारा हेमीटाइट क्या है हेमीटाइट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाया हुआ है विच ऑफ़ द फॉलोइंग वॉल नंबर वॉल नंबर कौन से होते हैं पहले तो वो पता होना चाहिए वॉल नंबर वो होते हैं जिनके अंदर क्या प्लस नंबर और नेगेटिव नंबर नहीं हो ठीक है और क्या फ्रिंग नंबर कौन सा सी सी है इसका करेक्ट आंसर क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या नेगेटिव में होता है ना पॉजिटिव में और ना हमारा फ्रैक्शन में तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा सी इसका करेक्ट आंसर सी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सेली अम्ल अमल को सोडा सी ए प्लस एन एच के साथ गर्म करने से डैश बनता है तो वो क्या बनता है हमारा फिनोल बनता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टेट ऑफ फियर में ओजन का सुधार किसके द्वारा संचालित है ये क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे अब ये जो क्वेश्चन हम आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए देते हैं ये इसलिए देते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि बच्चे हमसे कितने जुड़ रहे हैं उनको हमारे पढ़ाने का भी अच्छा लग रहा है ये इससे हमें थोड़ा पता चल जाता है ठीक है इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए देते हैं अब जो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है ये वो था हमारा ईएमई सेंटर सिकंदराबाद का तो जो इसके जो क्वेश्चन थे वो एओसी सेंटर सिकंदराबाद के क्वेश्चन से थोड़े थोड़े मैच कर रहे थे तो बच्चे कहते हैं कि एक ही पेपर को दो बार कराया नहीं वो पेपर अलग है ये पेपर अलग है हमारे पास जो भी पेपर आएगा हम उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे अब क्वेश्चन तो थोड़े मैच ही कर जाते हैं ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जय हिंद जय भारत बंदी माता